आखिर टैली में जीएसटी बिल कैसे बनाया जाए, इसी को लेकर के ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि रिक्वेस्ट आई हुई थी और इस पर एक वीडियो बनाना जरूरी था। हालांकि कई वीडियोस मैंने पहले भी बनाई हैं, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। टैली पर बिल बनाना सीखते हैं। सबसे पहले क्या, सबसे पहले वी प्रेस करते हैं। वी प्रेस करते हैं हम कहाँ चले जाएंगे, वाउचर में। यहाँ देखिए ये वाउचर का वी हाईलाइट है, तो आपको खाली वी प्रेस करना है, वाउचर में आ जाएंगे। और कौन से वाउचर में चलेंगे, परचेज में चलेंगे। कौन से में, परचेज में। तो आपको परचेज में जाने के लिए F9 प्रेस करना है, यहाँ पर आ गए। अब आपको सप्लायर से एक इनवॉइस नंबर मिलेगा जहाँ से आप होलसेलर पार्टी से सामान खरीदेंगे। डेट डाल दीजिए जो सप्लायर ने दिया है, सप्लायर के बिल का टोटल डिटेल यहाँ पे डाल दीजिए। और यहाँ देखिए एक मैंने लेजर क्रिएट किया है, और ये किसका लेजर है, ये है संडी क्रेडिटर पार्टी का, यानी सप्लायर पार्टी का लेजर है। ठीक है, तो दो सप्लायर है, लेकिन ये जो सप्लायर है राजू सप्लायर, इन्होंने हमें वो सारा सामान दिया है जिसकी एंट्री हम यहाँ पास करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कर दिया हमने। और यहाँ पे एक ऑप्शन है इज बीओई नॉट अवेलेबल, तो इसको यस कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एंटर करते हैं, ठीक है, परचेज का लेजर लगा करके। और यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे वो स्टॉक आइटम की बात करेंगे, तो स्टॉक आइटम हमने बना रखा है और इस पर देखिए अलग से जीएसटी लगाया। कैसे लगाया दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर आ गए, यहाँ से इन्वेंट्री पे चलते हैं और यहाँ से आते हैं स्टॉक आइटम पर। ये स्टॉक आइटम पे आ गए और यहाँ से अल्टर पे आएंगे, ये अल्टर पे आए। और यहाँ देखिए सी प्रोग्रामिंग की बुक है, और यहाँ से अलग से जीएसटी कैसे लगा, यहाँ पर सेट ऑब्लिक अल्टर जीएसटी डिटेल है, तो यहाँ पर जाकर के ऑन वैल्यू करके यहाँ पे 5% का जीएसटी लगा दिया। जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने बाय डिफॉल्ट 18% का लगाया था, लेकिन इस पर 5% का लगा दिया। इसी तरीके से जो नेक्स्ट स्टॉक आइटम है पाइथन की बुक है, इस पर भी 5% का जीएसटी लगाया। तो ये देखिए यहाँ पे अलग से जीएसटी लगा दिया 5% का, देख सकते हैं तो ये लगा दिया है। ठीक है, चलिए आइए वापस से आते हैं एंट्री पर। तो यहाँ पे आ गए, वी प्रेस किया, यहाँ परचेज में एंट्री पास कर लेते हैं, ये पास कर लिया। और यहाँ से राजू सप्लायर नाम था हमारे सप्लायर पार्टी का, और यहाँ से इस तरीके से आके एंटर करेंगे, परचेस का लेजर लगा देंगे। और यहाँ पर पाइथन की बुक थी, ठीक है, तो पाइथन की बुक की क्वांटिटी 60 है और खरीद रेट पड़ी है हमको कितनी, खरीद रेट हमको पड़ी है 400 रुपए की। ठीक है, और फिर यहाँ पे सी लैंग्वेज की बुक है, सी प्रोग्रामिंग की, तो ये 70 किताबें हैं, खरीद रेट क्या पड़ी है, खरीद रेट 350, तो ये हमने दे दिया। अब एंटर करके नीचे आएंगे, यहाँ पे जीएसटी के दो लेजर हमने खरीद किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा सी जीएसटी लगा दिया और सीधा सीधा एस जीएसटी लगा दिया, देख सकते हैं। ये एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया और इसको एक्सेप्ट करा लिया। ठीक है, अब ये जो परचेज का बिल था, ये तो परचेज का हो गया, तो परचेज का बिल कैसा दिखेगा आपका, तो देखिए ये परचेज का बिल है, यहाँ पे अल्ट पी करके एंटर करके ये देखिए ये आपका परचेज का बिल है। ठीक है, यहाँ देखिए ये इस तरीके से परचेज का बिल बनता है। ठीक है, ये परचेज का बिल है जो आपको सप्लायर द्वारा दिया गया, आपने अपने सिस्टम में एंट्री कर लिया। अब आपको ये पता रहेगा कि हाँ इतना रुपए का हमने खरीदा है, तो इससे ज्यादा का ही बेचना है। ठीक है, अब आते हैं वापस अपने एंट्री पर, यानी सेल्स वाली एंट्री पर। तो वी प्रेस करके F8 प्रेस करके कहाँ आ जाएंगे, सेल्स वाउचर में आ गए। सेल्स वाउचर में यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाल देंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पर आएगा डेटर पार्टी का लेजर। अगर बात आएगी डेटर पार्टी की, तो ये हमेशा उधारी की बात होती है। डेटर पार्टी या क्रेडिटर पार्टी की जब भी बात आती है, तो यहाँ पर बात आती है उधार की खरीदी या उधार की बिक्री की। ठीक है, तो यहाँ पर एक डेटर पार्टी का लेजर लगाते हैं, रितेश, रितेश हमारा डेटर पार्टी है। ठीक है, तो यहाँ डी लिख देता हूँ समझने के लिए, एंटर कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। सन्ड्री डेटर ग्रुप में ये जाएगा। ठीक है, तो ये डेटर कर दिया, एंटर किया, एंटर किया। और ये कहाँ की पार्टी है ये भी देखना होगा, तो सेम स्टेट की है मान लीजिए। ठीक है, और एंटर करके ये सब एंटर करके एक्सेप्ट कराते हैं, और यहाँ पे एंटर एंटर करते हुए इन सब डिटेल्स को भी एक्सेप्ट करा लेते हैं, चाहे तो एड्रेस भी डाल सकते हैं। और यहाँ आएगा सेल्स का लेजर, वहाँ परचेस था, यहाँ सेल्स, तो ये सेल्स का लेजर लगा दीजिए। तो यहाँ पे सेल्स का लेजर आ जाएगा, इस तरीके से एंटर करिए और इसे सेल्स के ग्रुप पे डाल दीजिए। देखिए सेल्स अकाउंट का एक ग्रुप बना हुआ है, इसी में इसको आपको डाल देना है और फिर एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेना है। तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब बात आती है कि अब हम बेचेंगे कैसे इसको, तो चलिए बेचते हैं, हम 50 किताबें बेच देते हैं। कितने की बेचेंगे, तो हम बेचेंगे 750 की, खरीद रेट कुछ और थी, उससे ज्यादा का ही बेचेंगे, तभी तो हमको कुछ प्रॉफिट आएगा। सी प्रोग्रामिंग की जो बुक थी उसको बेचेंगे 700 रुपए की। तो ये देखिए यहाँ पर किताबें कितनी थी, किताबें कम ही थी, तो ये 50 किताबें करते हैं और यहाँ पे 700 कर देते हैं, प्राइस 700 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे सी जीएसटी एस जीएसटी लगा देंगे, देखिए सी जीएसटी लग गया, एस जीएसटी लग गया, दोनों लग जाएगा आसानी से। ठीक है, और ये एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। और बिल कैसा दिखेगा आपका, तो यहाँ सेल्स का बिल दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये सेल्स का बिल है, अल्ट पी करके एंटर करके, और इसको देख सकते हैं, ये सेल्स का बिल है, देख लीजिए ये जो है सेल्स का बिल है। ठीक है, इस तरीके से सेल्स का बिल आपको दिखाई देगा। अब इसमें बहुत सारी चीजें आपको जरूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप परसेंटेज क्या लगा वो देखना है, तमाम इस तरह की बातें आती हैं कि हाँ सर ये भी देखना है, ये भी देखना है, तो कैसे होगा। तो ये देखिए यहाँ से जा करके और आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करनी होगी। क्या सेटिंग करना होगा, कॉन्फिगर पे जाना होगा, और कॉन्फिगर पे जा करके यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा, देखिए ये जीएसटी वाले सेक्शन में आपको दिखाई पड़ेगा।
जीएसटी परसेंटेज कॉलम, तो इसको यस कर दीजिए। जैसे ही यस करेंगे ना और कंट्रोल ए करके इसका प्रिंट आउट देखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट आउट के लिए यस करता हूँ, तो ये देखिए ये प्रिंट आउट आपको दिखेगा और यहाँ पर अब परसेंटेज वाइज जीएसटी आपको दिखेगी, 5% इस पे लगा, 5% इस पे लगा, देख रहे हैं, तो दोनों आपको दिख रहा है, क्लियर है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि बिल कैसे बनाना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको खूब शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ कोई सवाल हो तो जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।